हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर आपको लूडो टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनाना सिखाने वाला हूं। तो किस तरह का एप्लीकेशन बनने वाला है, चलिए सबसे पहले ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ओपन होता है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन ओपन होता है। तो आपका एप्लीकेशन का डिज़ाइन देख सकते हैं, कुछ इस तरह का एप्लीकेशन का डिज़ाइन आता है। यहाँ पर बहुत सारे मैचेज वगैरह ऐड है, जो यहाँ पर कोई बंदा ज्वाइन कर सकता है इस टूर्नामेंट में, ठीक है, और प्ले कर सकता है मैच, ठीक है। जैसे कि अपकमिंग है, ऑन गोइंग है, कंप्लीट है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ज्वाइनिंग फीस वगैरह दिखा रहा है, विनिंग फीस दिखा रहा है, वो सब आप बैकएंड एडमिन पैल से सेट गाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक कोई मैच पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि 50 रुपये विनिंग प्राइज है, 2 प्लेयर इसमें ज्वाइन होगा। यहाँ पर ज्वाइन फीस यहाँ पर 0 है फिलहाल, ठीक है। ज्वाइन पर हम क्लिक करते हैं, उसका कन्फर्म हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैच ज्वाइन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर इस तरह का विन अमाउंट इतना है, नंबर वगैरह सब कुछ आ चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर रूल क्या है, प्ले नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर लूडो किंग ऐप के अंदर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लूडो का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है लूडो किंग एप्लीकेशन के अंदर। तो वो इंस्टॉल पहले से होगा आपके एप्लीकेशन फ़ोन में, उसके बाद दोनों बंदा खेलेगा गेम, जो भी जीतेगा यहाँ पर फैच कर लेगा सारा डाटा, ठीक है। उसके बाद जो भी विनर होगा यहाँ पर विनर घोषित कर दिया जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर गाइज। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है हाउ टू प्ले, जहाँ पे आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो वगैरह डाल सकते हो, जिसमें बताया गया है कैसे प्ले कर सकता है टूर्नामेंट यूजर। उसका मोर का एक ऑप्शन है, जिस तो मोर के ऑप्शन के अंदर जो भी आपका नाम है, नंबर है, वो सब आ जाएगा। नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। आप चाहो तो एप्लीकेशन के अंदर यूजर को नोटिफिकेशन वगैरह भेज सकते हो। आपका एप्लीकेशन का भी नाम आता है, बैलेंस शो करता है, यहाँ पर डिपॉजिट कैश का ऑप्शन है, यहाँ से कोई भी यूजर अपना कैश डिपॉजिट कर सकता है इस एप्लीकेशन के अंदर, पेटीएम, पेयू मनी, रेजर पे के थ्रू। उसका विड्रॉल करने का भी ऑप्शन है, अगर मान लो आप पैसा विन कर लेते हो तो विड्रॉल भी कर सकते हो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शन मिल जाता है इस एप्लीकेशन के अंदर। बोनस कैश का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। प्रोफाइल है, हिस्ट्री है, स्टैटिक्स है, नोटिफिकेशन है, रेफर है, लीडर बोर्ड है, प्राइवेसी पॉलिसी, एफएक्यू, नीड हेल्प, अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, लॉगआउट, ये सारे ऑप्शन है। प्रोफाइल में भी जाकर आपको दिखा देते हैं, प्रोफाइल के अंदर आपका जो भी डिटेल्स है सब कुछ यहाँ पे फिल आता है। पासवर्ड वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। रेफर अर्न का भी ऑप्शन है, कोई भी रेफर करके भी पैसा अर्निंग कर सकता है, ठीक है। लीडर बोर्ड है, जो भी टॉप प्लेयर होगा यहाँ पर शो करेगा, किसने कितना जीता है सब कुछ यहाँ पर शो करने वाला है इस एप्लीकेशन के अंदर। स्टैटिक्स है, जो भी है मैच का इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर शो करेगा। तो कुछ इस तरह का गाइज लूडो टूर्नामेंट एप्लीकेशन आज हम बनाना सिखाने वाले हैं। तो अगर आप इस तरह का लूडो टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनवाना चाहते हो कंप्लीट, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको गाइज हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज इस लूडो टूर्नामेंट एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का आपको लैंडिंग पेज वेबसाइट मिल जाता है, ठीक है, देख सकते हो वेबसाइट होगा, जहाँ से कोई भी आकर के आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। तो आपका एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड होता है, तो स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो अपना एप्लीकेशन का, ठीक है। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट वाला लिखा है आप इसको भी बैकएंड से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का आपको वेबसाइट एक मिल जाता है, और इसका एक एडमिन पैल भी आपको दिखा देते हैं। तो एडमिन पैल कुछ इस तरह का मिलता है आपको इस एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे अपकमिंग मैचेज, लाइव मैच, कंप्लीट मैच, कैंसिल मैच सबको दिखाता है। यहाँ से आप मैच वगैरह क्रिएट कर सकते हो एडमिन पैनल से। यहाँ पे देखो ऐड मैच पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैच फेस, प्राइज, यहाँ पे जो भी कितना प्लेयर चाहिए वो सब, मैच टाइप, इंडिविजुअल, टीम, ये सारे क्रिएट कर सकते हो टूर्नामेंट, ठीक है। रिजल्ट अप्रूव यहाँ से कर सकते हो, यूजर कितना देख सकते हो, ट्रांजेक्शन जितना हुआ है वो देखोगे, जो भी यूजर है, विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाया गया यहाँ पे देख सकते हो, ऑफलाइन पेमेंट रिक्वेस्ट, सेंड नोटिफिकेशन और सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर ऐप कॉन्फ़िगरेशन है, गेम सेटिंग है, ऐप अपडेट है, अबाउट है, प्राइवेसी पॉलिसी, लीगल। तो प्राइवेसी पॉलिसी यही से चेंज करोगे आपके एप्लीकेशन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सब पेजेज है जिसके अंदर आप ऐड कर सकते हो अपना जो भी कंटेंट, ठीक है। तो गाइज ये हमारा हो गया गाइज एडमिन पैनल। तो चलिए आपको बताया था किस तरह से आप इस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो अपना। तो गाइज सबसे पहले आपको इसका सोर्स कोड डाउनलोड करना होगा, जो कि प्रीमियम सोर्स कोड है। सोर्स कोड डाउनलोड करने के बाद जिप फाइल मिलता है, जिप फाइल को आपको सिंपली अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद आपको इतने सारे फाइल मिलेंगे, सबसे पहले डाटाबेस जो कि एसक्यूएल फाइल है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है जिसको आप फॉलो करके एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। उसका बैकएंड का फाइल है जो कि आपका अपलोड होगा होस्टिंग पे, ठीक है। तो यही फाइल हम सबसे पहले इंस्टॉल करने वाले होस्टिंग पे। उसके नीचे एक फाइल मिलता है आपको फ्रंट एंड, जो कि एप्लीकेशन का कोड है जिसको हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ओपन करके बिल्ड करने वाले हैं, रीस्कैनिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो बैकएंड का फाइल है इसको अपलोड कर देना अपने होस्टिंग पे, अपने सीपीएल के अंदर आकर के फाइल मैनेजर के अंदर आकर के अपलोड कर देना, जैसे कि मैंने अपलोड कर रखा है फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। जो भी सब डोमेन के अंदर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है, एंड क्लोज गाइज कर देना है यहाँ पे।
ओके। उसके बाद जो भी आपका, उसके बाद आपका फोल्डर कुछ इस तरह का बन जाएगा। फोल्डर पर डबल क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको मूव पे क्लिक कर देना है और जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपको डिलीट करना है और आपका जो डोमेन नेम है उस पर क्लिक करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। मूव पे क्लिक कर दोगे तब भी हो जाएगा आपका काम। ओपन लेवल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाटाबेस बना करके आपको लिंक करना होगा इस फाइल से। तो उसके लिए आपको इंक्लूड का एक फोल्डर दिखता है, इस पर क्लिक करना है, कन्फिग डॉट पी एच पी पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एडिट फाइल क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाटाबेस का डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे डाटाबेस का पासवर्ड वगैरह, डाटाबेस नेम वगैरह डालना है, ठीक है। तो डाटाबेस बनाएंगे, अपने सीपीएल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है माई एसक्यूएल ड्राइव यार्ड पे, ठीक है। और यहाँ से आपको एक डाटाबेस का नाम दे देना है। तो मैंने नाम दे दिया लूडो टेस्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो डाटाबेस का, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यूजर नेम के अंदर भी हम सेम दे देते हैं, उसके पासवर्ड एक जनरेट कर लेते हैं और पासवर्ड को आप कॉपी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। एंड दोनों बॉक्स के अंदर पासवर्ड को फिल कर सकते हो, क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको एल परमिशन दे देना है एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा डाटाबेस सक्सेसफुली बन चुका है। उसके कन्फिग डॉट पी एच पी के अंदर आकर के सबसे पहले डाटाबेस का पासवर्ड फिल करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यूजर नेम डालेंगे, यूजर नेम कॉपी करेंगे कुछ इस तरह से, ओके। और यूजर नेम भी हम डालेंगे, देखो इस तरह से, यूजर नेम एंड डाटाबेस नेम दोनों हमारा सेम है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव चेंजेस पे गाइज क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने डाटाबेस जो बना रखा है उसके अंदर आपको एसक्यूएल फाइल अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको टूल में जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है पीएचपी माई एडमिन के अंदर, इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको अपना डाटाबेस सेलेक्ट करना है जो भी आपने बनाया था, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो लूडो टेस्ट से हमने जो डाटाबेस बनाया था इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट पे क्लिक करने वाले हैं और यहाँ से हम चूज करेंगे, चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाटाबेस का जो फोल्डर मिलता है इसके अंदर एक एसक्यूएल फाइल है, इसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, अपलोड कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एसक्यूएल फाइल अपलोड हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, अपना डोमेन नेम ब्राउजर के अंदर गाइज ओपन करने वाले हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो गाइस जो भी हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट हमारा लाइव हो चुका है, देख सकते हो। यहाँ पे जो भी हमारा डोमेन नेम है, डोमेन नेम के बाद हम एडमिन आपको टाइप करना है, ठीक है, और एडमिन पे लॉगिन करना है। उसके बाद एडमिन पे लगा लॉगिन डिटेल क्या है, डिफ़ॉल्ट एडमिन और एडमिन दोनों जगह आपको यूजर में भी एडमिन और पासवर्ड में भी एडमिन आपको डाल देना है और यहाँ पे साइन इन पे हम क्लिक कर देते हैं और एडमिन पे देख सकते हो गाइज हमारा एडमिन पे यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो जो जो ऑप्शन एडमिन पे के अंदर था, डेमो के अंदर सारे ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। सेटिंग में जा करके जो भी आपका है डिटेल्स वगैरह आप फिल एडिट कर सकते हो, ठीक है, अबाउट के अंदर जा करके, ठीक है। तो हमारा एडमिन पे गाइज रेडी हो चुका है। उसके बाद हम एप्लीकेशन रेडी करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन रेडी करने के लिए जो भी हमारा फ्रंटेड का कोड मिलता है, ये हमारा एप्लीकेशन का कोड है, इसको ओपन करना है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। चलिए ओपन कर लेते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। आपको प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए फाइल पर क्लिक करना, ओपन पर क्लिक करना है और इस सोर्स कोड को जो है फ्रंटेड सेलेक्ट करके ओपन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा, यहाँ पे डिटेल वगैरह डाउनलोड होगा, थोड़ा सा वेट कर लेना, डाउनलोड होने देना, ठीक है। उसका जो भी चेंजेस है चेंजेस कर सकते हैं। मैनिफेस्ट पे जाना, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर यहाँ पे आपका पैकेज नेम दिखा देगा, ठीक है। अभी मैंने पैकेज नेम चेंज कर रखा है, आप पैकेज नेम यहाँ पे कुछ और दिखा सकता है आपको, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, ओके। पैकेज नेम आपको चेंज करना है, तो पैकेज नेम चेंज करने के लिए आपको जावा पे जाना है और यहाँ पर आपको तीनों पैकेज नेम अलग अलग दिख रहा है, कॉम लूडो ऐप, कॉम लूडो ऐप, इसी तरह से बीच वाला सबसे पहले चेंज करना चाहते हैं लूडो को, तो राइट क्लिक करेंगे, रिफैक्टर करेंगे, ठीक है, और एल डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे न्यू लूडो डाला एंड रिफैक्टर पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे नीचे डू रिफैक्टर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी पैकेज नेम है चेंज हो जाएगा। इसी तरह से एप्लीकेशन को जो ऐप लिखा है इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर लेना अपने हिसाब से। तो पैकेज नेम चेंज करने के बाद पैकेज नेम को कॉपी करना, ड्रेवल के अंदर जाना, ठीक है, ग्रेल के अंदर बिल ग्रेडल पे जाना एंड यहाँ से भी एप्लीकेशन का पैकेज नेम आप चेंज कर देना, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी के अंदर एंड सिंक नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका एप्लीकेशन का पैकेज नेम चेंज हो चुका है। इस पैकेज नेम को आप फायरबेस के अंदर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप विदाउट कोडिंग नॉलेज का ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो हमने एक कोर्स डिजाइन किया है, उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर हमने 2000 सोर्स कोड भी फ्री प्रोवाइड किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, चेक करना एक बार, ओके। उसके बाद चलिए इसके एप्लीकेशन का नाम वगैरह कैसे चेंज करना वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए रिसोर्स के अंदर जाएंगे, वैल्यू के अंदर जाएंगे, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल पे जाएंगे और यहाँ से जो भी एप्लीकेशन का नाम दे देंगे, जैसे कि टेस्ट लूडो मैं दे देता हूँ, ठीक है। आपको जो भी एप्लीकेशन का नाम देना है वो दे देना है यहाँ पे। उसके बाद जो भी इसका टेक्स्ट वगैरह भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो।
उसके बाद इसके अंदर और क्या है, कलर है, कलर यहाँ से आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। कलर डॉट एक्सएमएल के अंदर यहाँ से कलर अपना डाल सकते हो, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा, या तो कलर कोड भी डाल सकते हो गूगल से निकाल के, यहाँ से भी डालोगे कलर कोड चेंज हो जाएगा। उसके बाद मिप मैप के अंदर अपना एप्लीकेशन का लोगो चेंज कर सकते हो। तो लोगो चेंज करने के लिए आईसी लंचर पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, इमेज एसेट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना इमेज, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अपना इमेज एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास एक लोगो है, इस लोगो को सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये लोगो आ चुका है। लोगो को एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा देख सकते हो, कर सकते इस तरह से। तो लोगो को एडजस्ट करने के बाद आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देना। यहाँ पे जाना बैकग्राउंड लेयर पे एंड कलर पे जाना एंड यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक लग रहा है हमारा लोगो। उसके एडजस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो आपका एप्लीकेशन का गाइज लोगो जो है चेंज हो जाएगा, देख सकते हो चेंज हो चुका है। इस तरह से लोगो चेंज कर लेना। एंड गाइज एप्लीकेशन का स्प्लैश स्क्रीन का जो इमेज वगैरह है वो चेंज करना चाहते हो, ड्रिवल के अंदर जा करके यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ही सारा इमेज है। ड्रिवल ओपन करने के लिए राइट क्लिक करना, ओपन इन फाइंडर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ड्रिवल फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल है सारे आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े होके। तो जो भी इमेज आप रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। सेम नेम से आपको सेम साइज में इमेज अपलोड करना है, सेम फॉर्मेट में। तो सिंपली यहाँ से अपना इमेज वगैरह रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपका एक और काम बच जाता है, एप्लीकेशन को बैकएंड से लिंक करना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा जावा के अंदर, ठीक है, कॉम के अंदर, ओके। उसके बाद आपको जाना है हेल्पर के अंदर एंड ऐप कॉन्स्टेंट डॉट जावा पे जाना है। यहाँ पे लिखा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे API URL के अंदर अपना एडमिन पल का URL जो है वो आप रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो हमारा एडमिन पल का जो URL है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और रिप्लेस कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसको डिलीट करेंगे, इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। हमारा अभी का एडमिन पल का URL है, ठीक है। तो जो भी एडमिन पल का URL वो यहाँ पे डलेगा। और यहाँ पे आप चाहो तो सपोर्ट ईमेल अपना डाल देना, ठीक है। ये हाउ टू प्ले के अंदर वीडियो वगैरह लिंक वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पेमेंट गेटवे वगैरह लगता है उसका की वगैरह डालने का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर पेओ मनी है वो सबका की डाल सकते हो। आपका जो कंट्री कोड है आप डाल सकते हो। अगर आप इंडिया से बाहर से एप्लीकेशन बना रहे हो तो मान लो पाकिस्तान से, तो +92 कर देना, तो पाकिस्तान का कंट्री कोड आ जाएगा। बांग्लादेश हो तो बांग्लादेश का कंट्री कोड। यहाँ पे करेंसी हो रहा है INR, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिया है इसके अंदर। जो भी आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सब आप चेंजेज यहाँ से गाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चेंजेज कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन का रेडी है। इसको आप बिल्ड कर सकते हो, बिल्ड पर क्लिक करके यहाँ पर बिल्ड APK, तो आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है बिल्ड वगैरह करने में बनाने में तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई आपको करूंगा। एंड अगर आपको शॉर्ट्स कोड वगैरह फ्री में चाहिए, बहुत सारा शॉर्ट्स कोड हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, थोर इन्फोटेक सर्च करना, ठीक है, टेलीग्राम पर, और ज्वाइन कर लेना। एंड फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड बाय।